दोस्तों अगर आप 2024 में बिहार से डीएलएड कोर्स करना चाहते हैं तो आप लोग दोस्तों इस कोर्स में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं दोस्तों अब जो है ना पिछले दो साल से बिहार में डीएलएड कोर्स में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम होने लगा है। तो अब दोस्तों आपको चाहे प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, दोनों के लिए ही अब आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। तो आपको दोस्तों आप जो है ना इस एग्जाम की तैयारी सेल्फ स्टडी के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, आपको कितने नंबर लाने होंगे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, एक क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस इस बार चेंज हुआ है या पिछले साल जैसा ही सेम है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम पैटर्न क्या है। देखिए इस एग्जाम में दोस्तों टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुल आपको 150 मिनट का टाइम दिया जाता है, ठीक ना। और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 120 में से 90 नंबर लाने होंगे, ओबीसी बीसी कैटेगरी के लिए दोस्तों 85 लाने होंगे और एससी कैटेगरी के लिए दोस्तों लगभग 75 लाने होंगे और एसटी के लिए 70 लाने होंगे, ठीक ना। और सबसे बेस्ट बुक जो है चाक्सू पब्लिकेशन की एक बुक आती है, वो सबसे बेस्ट बुक है, ठीक ना। और देखिए अभी से आप तैयारी कैसे करेंगे सेल्फ स्टडी के माध्यम से, तो अभी से आपको स्टार्टिंग के 3 महीने क्या करना है, 3 महीने दोस्तों आपको मैथ रीजनिंग और इंग्लिश पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि अगर अभी से आप इनको ज्यादा टाइम देते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट स्ट्रांग नहीं होते, जिनका काफी वीक होता है रीजनिंग इंग्लिश और मैथ, तो इनको अभी से आप पढ़िए। और लास्ट के डेज में आपको हिंदी इंग्लिश और सोशल साइंस पढ़ना है और साइंस पढ़ना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसे है ना जिसमें आप लास्ट के डेज में भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अभी से अगर आप पढ़ेंगे तो आप भूल जाएंगे।